सोच के देखो बायोलॉजी एग्जाम बस एक हफ्ते बाद है, और syllabus, 20 chapters, diagrams, और सिलेबस प्लस चैप्टर्स, डायग्राम्स, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी एक मिनी ब्रेकडाउन चल रहा है लेकिन अब एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स इमेजिन करो तुम किताब खोलो और हर फैक्ट हर डायग्राम तुम्हारे दिमाग में ऐसे चिपक जाए जैसे फेविकॉल ना स्ट्रेस ना रट्टा सिर्फ फास्ट लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी उंडगल बिल्कुल ये है बायोलॉजी पढ़ने का शॉर्टकट जो तुम्हे एवरेज स्टूडेंट से एकदम अलग बना देगा स्टेप वन बोरिंग टेक्स्ट को मूवी बनाओ बायोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं एक डॉक्यूमेंट्री है जो तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए जैसे डीएनए रेप्लीकेशन बस लाइन मत पढ़ना पिक्चर बनाओ हेलीकेज इक्वल्स टू एक scissor, जो DNA का रिबन काट रहा है पॉलिमर इज इक्वल टू एक वर्कर जो लेबल्स चिपका रहा है लाइगेज इक्वल्स टू ग्लू स्टिक लगाने वाला बच्चा तुम्हारा ब्रेन विजुअल्स और स्टोरीज को याद रखता है रट्टा को नहीं स्टेप टू स्मार्ट सिलेक्शन नॉट फुल सिलेबस गलती यह होती है कि स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कवर करने भाग जाते हैं स्मार्ट स्टूडेंट गोल्ड लिस्ट बनाता है कोर कॉन्सेप्ट सेल जेनेटिक्स एवोल्यूशन पास्ट पेपर क्वेश्चन एग्जाम का असली ट्रेजर और डायग्राम्स क्योंकि एग्जामिनर भी इंसान है आंसर शीट में पिक्चर देखकर खुश हो जाता है सिलेबस के 90 से ज्यादा मार्क्स इन्हीं टॉपिक से आते हैं स्टेप थ्री एक्टिव रिकॉल पैसिव पढ़ना एक ही बात याद रखो तुम्हारा दिमाग स्पॉन्ज नहीं मसल है मसल ग्रो होती है प्रैक्टिस है ना कि बस देखने से इसीलिए हर चैप्टर के बाद बुक बंद करो और लिख दो जो याद है फिर चेक करो और गैप फिल करो और अगर और मजा चाहिए अपने टेडी बैर को पढ़ाकर देखो तुम खुद समझोगे तो एग्जाम में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता स्टेप फोर स्पेस रेपिटेशन यानी मेमोरी का सुपर ग्लू एक ही दिन में दस बार पढ़ने से बेटर है थोड़ा थोड़ा गैप देकर रिवाइज करना पैटर्न सिंपल है डे वन लर्न डे टू रिवाइज डे फोर क्विक रिक डे सेवन फिर से रिपीट डे फोर्टीन फाइनल टच इस तरह नॉलेज परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है टॉप स्कोरर्स रट्टा नहीं मारते वो स्मार्ट स्पेसिंग यूज करते हैं स्टेप फाइव मेमोरी पैलेस और डायग्राम मैजिक मान लो मियोसिस के स्टेजेस याद करने हैं सिंपल लिस्टिंग बोरिंग है और डायग्राम्स सिर्फ देखना नहीं रीडम हर ड्रॉइंग में थोड़े फनी डूडल एड करो ये तुम्हारे बेन को इमेज हुक देगा स्टेप सिक्स निमोनिक्स को पर्सनल बनाओ पी मैट या टैक्सोनॉमी निमोनिक्स तुमने सुने होंगे लेकिन सीक्रेट ये है अपने खुद के वियर्ड निमोनिक्स बनाओ मान लो तुम्हें प्लांट हॉर्मोन्स याद करने हैं बना लो कोई फिल्मी डायलॉग या दोस्त का नाम जब निमोनिक पर्सनल और थोड़ा फनी होता है ब्रेन उसे कभी भूलता नहीं स्टेप सेवन डीप फोकस प्रिंट्स पूरा दिन फोन स्क्रोलिंग और मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होगा यूज नाइन्टी थर्टी साइकिल नाइन्टी मिनट्स डीप स्टडी थर्टी मिनट्स ब्रेक वॉक स्ट्रेच और बिना फोन एक स्प्रिंट में एक चैप्टर पूरा करो राइटिंग प्लस स्पीकिंग प्लस ड्राइंग मिक्स करो ये फोकस स्टेमिना बिल्ड करता है जो मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है स्टेप एट मॉक टेस्ट लाइक अ डीमन एग्जाम से पहले अपना टेस्ट खुद लो स्ट्रिक्ट बनो जैसे तुम खुद अपने खुद के खड़ूस टीचर हो गलतियों की लिस्ट बनाओ और उन्हें फिक्स करो ये तुम्हें रियल एग्जाम में शॉक होने से बचाता है स्टेप नाइन अपना बायो वॉल्ट बनाओ एक नोटबुक या डिजिटल वॉल्ट रखो जिसमें हो तुम्हारे ओन समरीज डायग्राम्स और डूडल्स फ्लैश कार्ड्स और पास्ट पेपर मिस्टेक्स ये तुम्हारी कस्टमाइज रिविजन मशीन होगी नॉर्मल स्टूडेंट्स के पास नोटबुक होती है तुम्हारे पास होगा बायो वॉल्ट तुम्हारा सीक्रेट वेपन तो अगली बार जब तुम बायोलॉजी उठाओ याद रखो ये रट्टा सब्जेक्ट नहीं है ये एक साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो तुम खुद बना रहे हो जब बाकी स्टूडेंट्स क्रैम पैनिक और भूल रहे होंगे तुम रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट होगे, जैसे तुम्हारा ब्रेन एक बायो सुपर कंप्यूटर हो और अगर तुम्हें ये ट्रिक्स यूजफुल लगे तो एक लाइक like छोड़ो जैसे एटीपी सेल में एनर्जी ड्रॉप करता है और सब्सक्राइब कर लो स्टिक यहाँ पढ़ाई इलीगल स्पीड से होती है